नमस्कार। तो आज आप हम अलोक इंडस्ट्री स्टॉक के ऊपर बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। अलोक इंडस्ट्री के अंदर आज यहाँ पे आप देख सकते कि फ्राइडे के दिन गिरावट फिर से देखने को मिली थी, पर यहाँ पे आप लोग नज़र डालोगे तो अलोक इंडस्ट्री में लास्ट 5-6 दिनों से वॉल्यूम में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। जिस दिन यहाँ पे जो तेज़ी आई थी उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम में यहाँ पे हर दिन में वॉल्यूम में गिरावट नज़र आई। अभी देखोगे नीचे की तरफ ये जो ब्लू कलर की लाइन है 200 डेज का मूविंग एवरेज है, ग्रीन कलर की 100 डेज और ऑरेंज कलर की 50 डेज, तीनों मूविंग एवरेज साथ में नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पे दोनों जो बेरिश छोटे मूविंग एवरेज है और 200 डेज के मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेते हुए दिखाई देते यहाँ पे, तो स्टॉक में यहाँ पे एक बड़ी रैली जनरेट कर सकता है बाइंग साइड में और वॉल्यूम भी यहाँ पे इंप्रूव हो सकते हैं अगर यहाँ पे छोटे मूविंग एवरेज या फिर 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके पुल बैक यहाँ पे करते हैं तो एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी और बाइंग साइड में तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। यही था लेटेस्ट अपडेट अलोक इंडस्ट्रीज़ के लिए।